भारत छोड़ो आंदोलन दिवस और विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने धरना सभा आयोजित की। कांग्रेस ने विधानसभा में गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी की संविधान, अनुसूचित जाति, किसान, महंगाई और बेरोजगार विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी वहां मौजूद थे। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में लगातार अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। शिवराज सिंह जी समझ लीजिए, 2 साल बचे हैं, दित्ती भी चला लो अपनी जवान। आज का नौजवान बहुत समझदार है, ये आपको केवल घर ही नहीं बिठाएगा, आपको हमेशा के लिए घर बिठाएगा। ये 15 साल का बदला लेगा। ये बात मैं तो आप सबसे कहता हूं, सब जगह जाइए। पहले तो हम जाते थे, कैसे थे, इस मकान में सब कांग्रेस के हैं, आज तो भाई बचीदा, चाचा चाची बेटा अलग अलग वोट देते हैं ना। आपको उन्हें सच्चाई सच्चाई दिखा दिए। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ और अपने देश की संस्कृति का साथ देना, ये हमें नारा देना है। और हमें जो चुनौतियां हैं, हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती है, 70% अपना मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। आपको बता दें कि इस पूरे आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने लिंक रोड पर बैरिकेड्स लगाकर रास्ता रोक दिया था। बाद में कांग्रेस के कुछ नेताओं और पुलिस के बीच बहस भी हुई। पुलिस ने कांग्रेस के कुछ नेताओं को गिरफ्तार भी किया।